हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब्त करें चुनाव चिन्ह, रद्द करें दलों के पंजीयन। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सरकारी कोष से अतार्किक मुफ्त उपहारों के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में ऐसे राजनीतिक दलों पर पंजीकरण रद्द व उनके चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग की है जो कि मतदाताओं को मुफ्त में सुविधाएं देने के वादे कर रहे हैं। मेटा ने कहा हम दुनिया का सबसे तेज एआई कंप्यूटर बना रहे हैं। जी हां, मेटा के अनुसार वह एआई रिसर्च सुपर क्लस्टर यानी आरएससी बना रही है जो कि इस साल तैयार होने के बाद दुनिया का सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर होगा। सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि हम मेटावर्स के लिए जो अनुभव बना रहे हैं उसके लिए बहुत अधिक गणना शक्ति चाहिए। बकौल जुकरबर्ग, आरएससी नए एआई मॉडल बनाने में मदद करेगा जो अरबों उपकरण से सीखेंगे। आधार अपडेट करने के लिए शुरू हुई नई सर्विस, घर से ही होगा सारा काम। जी हां, पहले आधार में कोई भी जानकारी बदलनी होती थी या फिर नया आधार कार्ड बनवाना होता था तो आधार सेंटर जाने की जरूरत पड़ती थी। अब आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेकर यह सारे काम घर से ही कर सकते हैं। आधार नामांकन, नाम अपडेट, पता अपडेट, मोबाइल नंबर अपडेट, ईमेल आईडी, जन्मतिथि अपडेट, लिंग अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे सारे काम घर पर ही बैठे हो जाएंगे। संजय राउत बोले भाजपा सिर्फ सत्ता के लिए करती है हिंदुत्व का इस्तेमाल। जी हां, शिवसेना के नेता संजय राउत ने भाजपा को लेकर कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में भाजपा को नीचे से ऊपर तक ले गई। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम बीजेपी को नीचे से ऊपर तक ले गए। भाजपा ने सत्ता के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल किया। हमने भाजपा छोड़ी लेकिन हिंदुत्व नहीं छोड़ेंगे। भाजपा हिंदुत्व नहीं है। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली में जल्द हटाए जाएंगे कोविड-19 प्रतिबंध, संक्रमण घटकर हुई 10%। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस से संबंधित कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में जल्द ही कोविड-19 प्रतिबंध हटाए जाएंगे, आपकी जिंदगी को वापस ढर्रे पर लाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जनवरी को 30% संक्रमण दर थी और 10 दिन बाद 25 जनवरी को यह घटकर लगभग 10% के करीब रह गई है। सरकारी स्टाफ से इंदौर प्रशासन ने कहा कोविड-19 टीके की तीसरी खुराक नहीं लगवाई तो रोक लेंगे वेतन। जी हां, मध्य प्रदेश में इंदौर प्रशासन ने करीब 20,000 सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि अगर उन्होंने कोविड-19 टीके की तीसरी खुराक नहीं लगवाई तो अगले महीने का उनका वेतन रोक लिया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि फ्रंटलाइन स्टाफ व हेल्थ वर्कर्स आदि द्वारा प्रिकॉशन डोज लगवाने के बाद ही उनका अगले महीने का वेतन जारी किया जाएगा। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में हुए शामिल। जी हां, कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद यूपी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया था। वह बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।